तो रिसेंटली केन फेगी सर का इंटरव्यूज़ हो रहा है, और उस इंटरव्यूज़ में वो जो जो बातें बता रहे हैं और जो मुझे मेन लगता है टॉपिक, वो मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए बढ़ते आगे। सबसे पहले बात करते हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के बारे में। तो केन फेगी सर ने ये बताया कि अगर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 9 है और एवेंजर्स एंड गेम 10 है, तो डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी 8 है इन टर्म्स ऑफ कितना इम्पैक्ट करेगी एमसीयू की फ्यूचर को। और ये बात तो मैं भी जानता हूँ और आप लोग भी जानते हैं कि डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी एमसीयू की फ्यूचर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली है। जो लोग नहीं जानते तो उन लोगों को मैं बता दूँ कि ये चीज़ आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब बात करते हैं एक्समैन के कैरेक्टर्स के बारे में। तो रिसेंटली केन फेगी सर ने ये कहा कि फैन शायद एक्समैन के कैरेक्टर्स का मिक्स देखेंगे, यानी कि जो कैरेक्टर्स हमें नहीं दिखे हैं हमें वो भी दिखेंगे, और जो कैरेक्टर्स हमें दिख चुके हैं वो भी दिखेंगे, यानी कि एक तरीके का मिक्सचर होगा। तो ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि हमें पता है कि अभी एक्समैन के कैरेक्टर्स के राइट्स आ चुके हैं मार्वल स्टूडियोज़ के पास, तो वो लोग बहुत से कैरेक्टर्स पर मूवीज़ बनाएंगे, सीरीज़ बनाएंगे और बहुत से कैरेक्टर्स को इंक्लूड करेंगे। तो ये तो समझी वाली बात है। अब बात करते हैं एवेंजर्स रेड वॉर्स मूवी के बारे में। तो रिसेंटली केन फेगी सर ने ये कहा कि वो कमेंट नहीं कर सकते हैं कि रूसो ब्रदर्स डायरेक्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे एवेंजर्स रेड वॉर्स मूवी को, क्योंकि उन्होंने पिछले हफ्ते ही किसी और डायरेक्टर से बात की थी और अभी वो आगे देख रहे हैं नेक्स्ट वीक को, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रेफ़र कर रहे हैं नेक्स्ट वीक को SDCC, यानी कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन से। वहाँ पे शायद वो अनाउंस करेंगे कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का डायरेक्टर कौन होगा। तो जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता दूं कि SDCC होने वाला है जुलाई 27 को, इंडियन डेट एंड टाइम मैंने आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो में बता दिया है, तो आप लोग वो मेरे चैनल पे आके चेकआउट मार सकते हो, वहाँ पे मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया है। एक्सपेक्टेशन रखो बट एकदम भी हाई मत रखो, बहुत सारी चीज़ें पता लगेगी लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि एक्सपेक्टेशन हाई मत रखो, बाद में निराश मत हो जाना। अब बढ़ते आगे। तो उन्होंने बात की है फेज 4 के कैरेक्टर्स के बारे में भी, कि हमें वो अपकमिंग एवेंजर्स मूवी में दिखाई देगी या फिर नहीं देगी। तो केन फेगी सर ने एक्सप्लेन किया कि अपकमिंग एवेंजर्स मूवी में एक स्टोरी हमें बताई जाएगी और वहाँ पर हमें लैग कैरेक्टर्स नहीं दिख सकते क्योंकि उतनी जगह नहीं होती है, तो कुछ फेज 4 के कैरेक्टर्स नज़र आएंगे और कुछ नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एमसीयू की फ्यूचर में, यानी कि कोई और एवेंजर्स मूवी में, बाकी सब कैरेक्टर्स एक साथ नहीं दिखेंगे, बिल्कुल देख सकते हैं उनके मुताबिक। और अगर इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आप लोगों को क्लियर करूं, तो मेरे हिसाब से वो रेफ़र कर रहे थे यहाँ पे एवेंजर्स 5 एंड एवेंजर्स 6 को। एवेंजर्स 5 में जाहिर सी बात है इतने सारे कैरेक्टर्स, यानी कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हमें नहीं दिखाई देंगे, और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स दिख सकते हैं, यानी कि संभावना है। तो मेरे हिसाब से उन्होंने इसी बात को रेफ़र करते हुए कहा है वो वाली बात। अब बढ़ते आगे। तो रिसेंटली उन्होंने स्पाइडरमैन 4 का अपडेट भी दिया है। उन्होंने ये कहा कि एमी पास्कल और वो काम कर रहे हैं, राइटर्स लिख रहे हैं स्टोरी स्पाइडरमैन 4 की, और उन्हें जल्द मिल जाएगा स्पाइडरमैन 4 का ड्राफ्ट। और इसी के साथ केन फेगी सर ने स्पाइडरमैन 4 के डायरेक्टर के बारे में भी बात की है, और उन्होंने ये कहा कि शायद जॉन वॉट्स रिटर्न नहीं होंगे स्पाइडरमैन 4 को डायरेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत काम पड़ा है करने के लिए। अब बढ़ते आगे और बात करते ब्लेड मूवी के बारे में। तो केन फेगी सर ने ये कहा है कि वो लोग बहुत सालों से, यानी कि कुछ सालों से, इस मूवी को फाइनलाइज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात उनके लिए ये है कि ब्लेड मूवी को सही तरीके से बनाया जाए, यानी कि रश ना किया जाए, ताकि वो लोग गारंटी दे सके कि वो लोग सही ब्लेड मूवी बना रहे हैं फैंस लोगों के लिए। और केन फेगी ने कमेंट ये किया कि शायद ये मूवी हो सकती है डेडपुल की तरह R-रेटेड, यानी कि उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा था कि वो हिंट दे चुके हैं हमें। और अब बढ़ते आगे और बात करते हैं नोवा के बारे में। तो रिसेंटली केन फेगी सर ने ये क्लियरिफाई कर दिया कि नोवा पे हमें मूवी नहीं देखने मिलेगी बल्कि एक सीरीज़ देखने मिलेगी, और उस सीरीज़ का मेन लीड होगा रिचर्ड राइडर, जो कि नोवा के नेम से जाना जाता है। और उन्हें उम्मीद है कि फैंस लोगों को ये सीरीज़ देखने मिल जाएगी अगले 3 या फिर 4 सालों में। और अब बढ़ते आगे और बात करते हैं एवेंजर्स टावर के बारे में। तो रिसेंटली केन फेगी सर ने ये बताया कि फैंस लोगों को जल्दी पता लग जाएगा कि एवेंजर्स टावर किसने ख़रीदा है। उन्होंने इसी के साथ ये भी कहा कि स्पाइडरमैन होमकमिंग में जो कहानी बताई गई थी कि एवेंजर्स के टावर को बेच दिया गया है, तो वो सेम रखा गया, यानी कि जो कैरेक्टर ने लिया है उस कैरेक्टर को स्टोरी में चेंज नहीं किया गया है, हमें वही बताया जाएगा जो कैरेक्टर उन लोगों ने डिसाइड किया था उस वक्त।
वैसे आपको क्या लगता है कि किसने खरीदा होगा, मुझे कमेंट करके बताओ। अब बढ़ते आगे और बात करते डेडपुल के बारे में। तो रिसेंटली केनरा की सर ने ये बताया कि उन्होंने पहले से ही सोच लिया है कि डेडपुल को PG-13 मूवी में किस तरीके से बताया जाएगा दूसरे MCU के कैरेक्टर्स के साथ। उन्होंने कहा कि यही तो एक पूरा आइडिया है कि एक कैरेक्टर को फिट करना जो नॉर्मली बाकी कैरेक्टर्स के साथ फिट नहीं हो सकता है, क्योंकि डेडपुल ठहरा R-rated उसके लिए जाना जाता है और बाकी जो कैरेक्टर्स है वो PG-13 है। तो देखते हैं कि किस तरीके से फिट किया जाता है, उन्होंने क्या सोचा है, वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। और अब बढ़ते आगे और बात करते हैं वीडियो के फाइनल टॉपिक के बारे में। तो फाइनल टॉपिक है MCU में म्यूटेंट एरा की शुरुआत। तो कैन फेगी सर ने ये कहा कि हमें एक्समैन की दुनिया के कैरेक्टर्स मिल रहे हैं जो पहले नहीं मिल रहे थे, यानी कि वही वो रेफ़र कर रहे हैं कॉपीराइट वाला इशू। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी म्यूटेंट एरा शुरू हो चुका है MCU में, यानी कि डेडपूल एंड वुल्वरिन में हमें देखने मिल जाएगा और उसके बाद पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा और सभी मार्वल के प्रोजेक्ट्स में हमें म्यूटेंट दिखाई देंगे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए। यानी इसका मतलब ये है कि मल्टीवर्स सागा के बाद हमें देखने मिलेगा दी म्यूटेंट सागा। उनकी बातों से तो मुझे यही लग रहा है और जितना मैं भी सोच रहा हूँ तो मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि म्यूटेंट्स आ चुके हैं डेडपूल एंड वुल्वरिन में बताया जाएगा और उसके बाद अच्छे से सेटअप किया जाएगा, यानी कि सीट छोड़ दी जाएगी और फिर उसको कंटिन्यू किया जाएगा नेक्स्ट सागा में और उस सागा का नेम यही होगा दी म्यूटेंट सागा। वैसे दूर की बात है, वो तो हम आगे पता चल जाएगा और आगे बात करेंगे इसके बारे में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी कुछ रहेगा तो मैं लेके आ जाऊँगा। तो इस वीडियो को लाइक करो और कोई न्यू बंदा या बंदी वो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ वैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन चैनल को शेयर करो।